बेटमा के समीप ग्राम मानपुरा में बगदीराम पिता जयराम उम्र 20 वर्ष का शव कुएं से मिला। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बगदीराम खाना खाने के बाद फोन पर बात करते हुए कुएं की तरफ गया था। अचानक पैर फिसलने से कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिसकी सूचना ग्रामीण जनों को होते ही उन्होंने 100 डायल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर बेटमा शासकीय स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा, जहां उसका पीएम कर शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये मामला संदेहास्पद लग रहा है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह हादसा है या आत्महत्या या फिर हत्या। वहीं इसमें बयान भी अलग अलग सामने आ रहे हैं। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। अब जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। ये सब मेहमान आए थे जी, बहुत भरपूर बहु को पहुँचा रहे थे। हाँ, तो वहाँ पे भोजन वोजन सब करा रहे थे जी। वही उसके पास फोन आया तो वो फिर फोन लेके इधर बात करता करता गया है। फिर बच्चे और नानू बोला कि वो गिर गया कुएं में। तो फिर आपने क्या करा? फिर सब भागे, मेहमान लोग सगले। हाँ, फिर बस वही सब भागे। फिर उसको आसपास सब कोई दंताली बांध को वो तार वाले उससे फिर एकड़ी बनाई, फिर उससे ये करा। पुलिस भी आ गई, सभी जुआ पुलिस आ गई। जिसके बाद पुलिस ने निकाला? नहीं, पुलिस वहीं थी ना, उनके सामने पुलिस के सामने ही निकाला था। हाँ, पुलिस के सामने। तो जब तक मृत्यु हो गई थी? हाँ, मर गए। तो कोई पुराना विवाद, रंजिश कोई कहीं कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं था। किसी पर आशंका कहीं भी नहीं? ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। जयराम। इस विषय में बताइए, जांच में क्या आया, कैसा संदेह के मामले में लग रहा है बॉडी का? सर, ये बगदीराम जयराम राठौर की जो आज ये डेथ हुई है इसमें कुएं में डूबने से जी, ये इनके परिवार के अलग अलग बयान आ रहे हैं। कोई बोल रहा मोबाइल लेके गिर गया, कोई लगा वहाँ बैठा था, कोई बोल रहा बच्चों ने गड़ा, ये संदिग्ध है। इस मामले को लेकर हम लोग यहाँ आए थे, हमने पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से बात की, हमने पूरे बॉडी को देखा, बॉडी में चोट है, उसके सर पे चोट है, शरीर में अन्य जगह भी चोट है, नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। हमने डॉक्टर से इस संदर्भ में चर्चा करी तो डॉक्टर ने 2-3 मिनट आगे चले गए, बोले पोस्टमार्टम हुए। हमने बोला उसके सर की चोट, वो भी उसको देख कर सही तरीके से गया नहीं, डॉक्टर ने किसी प्रकार का सही तरीके से पीएम नहीं किया गया, और पुलिस के द्वारा परिवार पर दबाव डाल के बॉडी लेके जाने के लिए दबाव बनाया गया है। तो इसके अलावा आप क्या करेंगे फिर? सर, अभी हम लोग वरिष्ठ अधिकारी को इस जानकारी देंगे कि भैया ऐसा ऐसा इन्होंने करा, और यहाँ बेटमा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर कोई चौधरी, इन्होंने किसी प्रकार का जिम्मेदारी से कोई पीएम नहीं करा, ना ही पूरे बॉडी को खोला, ना ही पूरे बॉडी का परीक्षण किया गया परिवार के पंचों के सामने, या ही किसी पत्रकारों के सामने या किसी के सामने उनका कोई परीक्षण नहीं किया गया बॉडी का। तो इस विषय में आप धरना देंगे, शिकायत करेंगे? सर, हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों को इंदौर में धरना भी देंगे, वरिष्ठ अधिकारी को बताएंगे भी, क्योंकि ऐसे मामलों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये अज्ञात हो सकता है, किसी न किसी का हत्या का रूप हो सकता है, लेकिन इसको दबाया जा रहा है। आपका नाम और पद? डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, मध्य प्रदेश भीम आर्मी संयोजक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।